वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मैंने सारी क्लीनिंग और बर्तन वगैरह करके मैं नहा ली हूँ और अब मैं जो है ठाकुर जी की पूजा करके आऊँगी। उसके बाद मेरा पहला काम ये होगा कि मैं राखियाँ पैक करूँगी। कितने दिनों से सोचती जा रही हूँ राखी पैक करूँ, सेंड करूँ, बट हो नहीं पा रहा है। अब भी मुझे लग रहा है मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। जो मेरे दूर दूर के भाई हैं उन्हें कैसे पहुँचेगी राखी, तो सबसे पहले मैं ये करने वाली हूँ। तो चलिए पहले पूजा कराते हैं, उसके बाद राखियाँ पैक करते हैं। के बाद पहले मैं इलू का रूम साफ़ करने लगी। वैसे मैं दो दिन में करती हूँ बट जाके देखा तो इलू ने बहुत ज़्यादा बिखेर रखा था, तो बस मैं यहाँ पे इलू का रूम साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स अभी मैं राखियाँ पैक कर रही हूँ। ये भाई भाभी का जोड़ा है, ऐसे ही कुछ राखियाँ ये मैं आपको पहले दिखाई चुकी हूँ। तो पहले मैं न्यूज़पेपर में पैक करूँगी, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ में पैक करूँगी ताकि अच्छे से पहुँच जाए। वैसे मुझे लग रहा है मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बेंगलोर तेलंगाना और ये बहुत दूर है, तो पता नहीं मेरी राखी पहुँचेगी भी या नहीं, फिर भी देखते हैं। अपने मम्मी के घर तो जा ही रही हूँ मैं, तो भाई को तो कलाई पर बांधनी है। हो सका तो पक्का ही है मेरे जाने का, बाकी मैं बोल नहीं सकती आगे बीच में कुछ हो जाए तो, अभी भी क्योंकि 7 दिन है। तो बस अब मैं पहले न्यूज़पेपर में पैक कर दूंगी, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ में पैक करूंगी। चिवड़े की नमकीन बना दूँ क्योंकि घर में नमकीन ख़त्म हो गई है और मेरे हस्बैंड को नमकीन खाना बहुत पसंद है और चिवड़े वाली उन्हें बहुत पसंद है, तो बस मैं चिवड़े वाली जो नमकीन है वो बनाऊंगी उनके लिए, जो चिवड़े को डीप फ्राई करके और मूंगफली को डीप फ्राई करके जो बनती है उसकी रेसिपी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मेरे चैनल पर है, तो वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ नमकीन। पहले हम मूँगफली को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोहा डाल देंगे और तेल जो है तेज गर्म होना चाहिए, तभी पोहा फटाफट से जो है आ जाएगा ऊपर, अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए बस इतना होते ही हमें इसे निकाल लेना है एक जाली में। ये देखिए जब तेल ज़्यादा गर्म होगा, तेज गर्म होगा, तभी ये फूल कर बाहर आएंगे, बहुत अच्छे फूलेंगे अगर तेल जो है तेज गर्म होगा। इसका पूरा तेल निकाल करके फिर हमें इसमें डाल देंगे। हमारे चिवड़े जो है तल करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, नमक, मिर्च, चाट मसाला, ये सब, और मूंगफली डाल दूंगी, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो डब्बे में भरकर रख दूंगी। आप चाहें तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो गार्लिक पाउडर और भी डालकर रख सकते हैं, टोमेटो पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बट हम लोग नहीं खाते तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। और ये कोई गेस्ट आ जाए तब भी हम उसे सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, फिर टी टाइम स्नैक्स भी है, तो
घर में ही हम अगर बना के रख ले तो हमें बाहर से भी नहीं लानी पड़ेगी नमकीन। तो बस मैं थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बना के रखती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैदे की पपड़ी भी बना लूँ आज, तो देखते हैं टाइम मिला तो वो भी बना के रखूँगी। तो बच्चों को बाहर के चिप्स देने से अच्छा है मैदे की पपड़ी बना के दे दो, मैदा आटा मिक्स करके, तो वो बेटर रहता है। और कोई गेस्ट आए तब उसे भी हम सर्व कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं नाश्ते में। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, छिमछिम छिमछिम बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी ईलू आने वाली है तो मैं नूडल्स उबाल रही हूँ, नूडल्स के मोमोज बनाऊंगी। काफी दिनों से मैंने उसे कुछ स्पेशल बना के नहीं खिलाया, मोमोज उसे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं आज मोमोज बना रही हूँ, नूडल मोमोज। तो वैसे मोमोज की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो लेकिन नूडल वाले बना रही हूँ तो मैं आपको रेसिपी दे दूंगी। तो अभी मैं आटा लगाऊंगी मतलब मैदे का, फिर नूडल मोमोज बना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसे हम छान लेंगे। तो अब मैं आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स करके आटे को गूंद लेंगे। तो ये देखिए नूडल्स हमारी बॉईल हो चुकी है, तो अब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। तो अब हम आटा लगा लेंगे, मतलब मैदे को गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम आटा गूंद लेंगे। तो आटा जो है हमारा तैयार है, अब मैं इसे ढक कर के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी, तब तक मैं नूडल्स बना लूँगी। साथ ही मैं साफ़ करते रहना चाहिए किचन को। तो थोड़ा सा एक छोटा प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है वो मैं कट कर लूँगी। नूडल्स बनाने के लिए रफली चॉप कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं। तो मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैं हल्का सा तेल डालूंगी बस, ऐसे गर्म होने दूंगी। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल दूंगी और इन्हें थोड़ी देर पका लूंगी। तो अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे और फिर अब सारे सॉस डाल देंगे इसके बाद। कि मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, थोड़ा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा रेड चिली सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा मैं टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टोमेटो सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम, और फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे और तब तक ये ठंडी जब तक होती है तब तक हम मोमोज़ के लिए पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। तो अब हम इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे और फिर इसमें फिलिंग डाल देंगे नूडल्स वाली। तो ये देखिए मैंने मोमोज़ को स्टीम करने के लिए इडली कुकर चढ़ा दिया है गैस पर भाप बनने के लिए। अब मैं मोमोज़ में फिलिंग भर लूँगी और मोमोज़ बना लूँगी। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। जिसे मोमोज की शेप देनी नहीं आती हो वो लोग क्या कर सकते हैं कि गुजिया बनाने वाली मशीन में मोमोज बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मोमोज तैयार हैं, अब मैं इन्हें स्टीम कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने मोमोज को स्टीम होने रख दिया है और इसके बाद मैं और मोमोज इसमें डाल दूँगी और स्टीम कर लूँगी। तो ये 10 से 15 मिनट हमें इसे स्टीम करना है, तो ये तैयार हो जाएंगे, फिर आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट बाद मैंने मोमोज को जो है इडली मेकर से निकाल लिया था, ये स्टीम हो चुके हैं अच्छे से। तो बस अब मैं इसे ईलू को दे दूँगी और आप भी खाइए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश, लगातार झमाझम बारिश हुई जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी मूसलाधार। तो फ्रेंड्स शाम के 5 बज चुके हैं और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अरबी छील रही हूँ, हाथों पे मैंने तेल लगा लिया, अरबी छीलने से हाथों पे खुजली हो जाती है, तेल लगा लो फिर भी हो जाती है, बट मैं काफ़ी दिनों बाद अरबी बना रही हूँ। मेरा आज अरबी खाने का मन है क्योंकि मैं 1.5 साल बाद अरबी बना रही हूँ। तो मैं अरबी जो है फ्राई करके बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे कई लोग उबाल के बनाते हैं, दही वाली बनाते हैं, बट
मेरी मम्मी मेरी नानी वगैरह जो है फ्राई करके बनाती थी, पहले फ्राई की फिर उन्हें प्रेस किया फिर खूब सारे मसालों में छोंक दिया सूखी अरबी, तो वैसे ही मैं बनाने जा रही हूँ। ईलू अभी ट्यूशन गई हुई है, बारिश हो रही है लगातार, 2:15 बजे से लगातार बारिश हो रही है, तो बस ये अरबी छील कर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं ईलू को जब देखने गई कि ईलू की वैन आई या नहीं आई तो मैं पूरी भीग गई थी, और उसके बाद से मुझे बैक पेन हो रहा है, बुखार जैसा फील हो रहा है, तो बस अभी चाय पीऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, इस पे मैं अरबी को डाल दूंगी और फ्राई कर लूंगी। जब तक अरबी फ्राई होती तब तक हम आटा गूंथ लेंगे। तो ये देखिए हमारी अरबी जो है वो फ्राई हो चुकी है, मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। प्लेट में निकाल लेने के बाद हमें क्या करना है कि एक साफ कटोरी लेनी है और उससे इस तरीके से अरबी को प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से सभी अरबी को हम प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए सभी अरबी को मैंने इस तरीके से प्रेस कर दिया। आप चाहें तो इस स्टेज पे एक बार और फ्राई कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसकी सब्ज़ी बना दूंगी और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूंगी। तो चलिए बनाते हैं इसी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक हम मसाले बना लेते हैं। तो तेल जो है गर्म हो चुका है तो मैं इसमें राई डाल दूंगी। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। अब मैं इसमें चारों मसाले डाल दूंगी, मिर्च हल्दी नमक और धनिया पाउडर। इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें हमारी फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और हरा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे, बट अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी जो मसाला अरबी है, फ्राई अरबी है फ्राइड, वो तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने सोचा आज रोटियां भी फटाफट बना के रख दूँ, फिर मैं फ्री रहूँगी तो कुछ नया काम हम कर लेंगे, इस वजह से मैंने आज रोटियां भी बना के रख दी थी। मेरा सारा काम हो चुका है, सब्जी रोटी बर्तन और किचन की सफाई भी हो चुकी है, अब बस खाना बचा है, उसके बाद थोड़े से बर्तन होंगे बस वो। तो मैं चाय पीने वाली थी, मैंने आपसे बोला था, बट चाय का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मैं काम करती गई मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मेरे लिए चाय बनानी है। तो जब मैंने ईलू को दूध दिया तो अपने लिए भी दूध ले लिया है, तो अब हम दोनों दूध पी रहे हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ईलू को होमवर्क करवा रही हूँ। वैसे ईलू सब कुछ अपने आप ही कर लेती है, बट जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी और ईलू भी फ्री हो चुकी है होमवर्क करके, तो हम फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना टाइम का यूज़ दिया जाए और ईलू को स्प्रे पेंटिंग सिखाई जाए। एक ब्रश की टूथ ब्रश जो होता है उसकी मदद से हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे। तो जब मैं ईलू को सिखा रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल रफली सिखा रही हूँ अभी, बाद में मैं उसे कपड़े पे भी सिखाऊंगी। तो अभी जो मैं है कागज़ पर सिखा रही हूँ, तो आप भी देखिए कैसे मैं उसे सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स स्प्रे पेंटिंग करने के लिए मैंने एक वाइट शीट ले ली, ये है वाटर कलर क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कलर नहीं था। तो ये मैंने लिए पुरानी ब्रश यानी कि टूथब्रश और कुछ मैंने पेपर्स में ऐसे डिज़ाइन कट कर लिए हैं। ये देखिए पत्ती कट कर ली है और मैंने हार्ट शेप कट कर लिया है। एक मैं अंदर से करूँगी और एक बाहर से स्प्रे करूँगी। तो मैंने पानी मिला करके तैयार कर लिया है कलर, और ब्रश को ऐसे करके थोड़ा सा कलर निकाल देंगे इसमें से, ज़्यादा नहीं रखना है हमें।
फिर शीट पे पत्ती रखेंगे और इस तरीके से ऐसे ऐसे चलाते हुए ब्रश को चारों तरफ चलाएंगे। इससे क्या होगा कि बाहर बाहर पत्ती के स्प्रे हो जाएगा रेड कलर का और अंदर से पत्ती की जो है वो शेप हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, करीब से दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखिए स्प्रे पेंटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पत्ती की शेप बनी है उस पर या तो ब्रश से, या मैं यहाँ पे टूथपिक से करूँ क्योंकि मेरी ब्रश वगैरह अभी मिल नहीं रही थी, तो मैं इसकी आउटलाइन बना रही हूँ इस तरीके से। तो इलू भी अब ट्राई कर रही है, आउटलाइन बनाना सीख रही है। तो ये देखिए हमारा जो स्प्रे पेंटिंग है वो तैयार हो चुकी है और अब मैं अंदर से स्प्रे करेंगे हम लोग, यानी कि इलू करेगी। तो इलू अब कर रही है, ये देखिए इस तरीके से हमें रख देना है इसे और अंदर इसके स्प्रे करना है। बाहर करना हो तो हमें बाहर स्प्रे करना होता है और अंदर से स्प्रे वाली बनानी होती है तो हमें अंदर स्प्रे करना होता है। तो ये देखिए स्प्रे कर रही है अब इलू इस तरीके से, अंदर पूरे में स्प्रे कर देगी जो भी जितनी भी शेप बनी हुई है हार्ट की, तो अंदर जो है स्प्रे वाला हार्ट बन जाएगा। ये देखिए अब हटाया है हमने, तो ये देखिए फाइनल जो ये है इस तरीके से दिखता है स्प्रे पेंटिंग। और फिर अब हम क्या करेंगे, टूथपिक की सहायता से ही इसमें भी आउटलाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो फिर ये इसका फाइनल लुक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप कपड़े पर भी स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं फैब्रिक कलर से, तो वो भी किसी दिन मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको कैसी लगी स्प्रे पेंटिंग। थोड़ी देर बाद हमने डिनर कर लिया था, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी YT फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।